Hi guys, welcome back. This video is a voiceover of smoky eye makeup tutorial that is inspired by one and only Shreya Jain. जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वीडियो में वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे. फर्स्ट ऑफ फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड लगाया है. इट्स रियली गुड, आई हैव बीन यूजिंग इट दीज डेज और ये बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट देता है स्किन पे. उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है बायोडर्मा का. ये बहुत ही हैवी मॉइस्चराइज़र है और ये लगाने से मेकअप बहुत ब्यूटिफुली सिट करेगा और बहुत ही अच्छा ग्लो देगा. ये मैटर नहीं करता आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, मॉइस्चराइजेशन इज़ अ मस्ट. इसको भी हाइड्रेट करने के लिए मैंने वादी का स्ट्रॉबेरी लिप बाम लगाया है. इट्स रियली गुड. एंड फर्स्ट हम आईज़ करेंगे ताकि अगर कोई भी फॉल आउट हो तो उसको रिमूव कर सकें. फॉर दिस लुक आई एम यूजिंग माई फेवरेट आई शैडो पैलेट फ्रॉम मॉर्फी जेम्स चार्ल्स कलेक्शन. उसमें बहुत ही सारे कलर्स है जिसमें से आप चूज कर सकते हो. ट्रांजिशन करने के लिए मैंने बेसिकली तीन कलर चूज किए हैं, विच इज येलो, ऑरेंज एंड रेड, सेम व्हाट श्रेया जैन चोज. और उसके बाद मैंने सारे क्रीज में उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है. मेक श्योर आप एक फ्लफी ब्लेंडर ब्रश लीजिएगा और उसे बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड कीजिए ताकि कोई हार्श लाइंस ना हो और बहुत ही सीमलेस ब्लेंड लगे. ब्लैक स्मोकी आईज़ को बेस देने के लिए मैंने प्लम गुडनेस का ये काजल यूज़ किया है. इससे ब्लैक ज़्यादा पॉप आउट हो जाएगा. लिड पे जब भी कलर डिपॉजिट करना होता है मेक श्योर आप शेडर ब्रश यूज़ कीजिए. उससे क्या होगा कि बहुत ही कलर का वाइब्रेंसी आ जाएगा और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे. मैंने ब्लैक आई शेडो पुट किया है उस काजल के ऊपर और उसको धीरे धीरे ब्लेंड किया है जो ऊपर ट्रांजिशन कलर्स थे ताकि एक सीमलेस फिनिश हो जाए. लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने हाइलाइटर ब्राउ पोन ऑन इराकॉर्नर्स पे यूज़ किया है और बाकी के आईज मैं अब बाद में करूँगी. बस थोड़ा थोड़ा ही फिल कर रही हूँ विद दैट आईब्रो पेंसिल जो इटूड हाउस की है. यह आईब्रो पेंसिल बहुत ओकेश प्रोडक्ट है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है. और आई मेकअप को कंप्लीट करूँगी मैं बाद में जब मैं अपना बेस कर लूँगी जो लोअर लैश लाइन में होगा. बेस के लिए मैंने मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस प्राइमर लिया है. ये प्राइमर बहुत ही फिल करेगा मेरे जो भी पोर्स और इम्परफेक्शंस को होगा ताकि फाउंडेशन अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सके और सिट हो सके. और फाउंडेशन के लिए मैंने एक हाई एंड फाउंडेशन यूज़ किया है फ्रॉम एस्टे लॉडर इन शेड कैश्यू. मैंने बहुत टाइम बाद ये फाउंडेशन यूज़ किया है. आई फॉरगॉट कि ये कितना अच्छा था और ये बहुत ही अच्छा सीमलेस फिनिश देगा और ये एकदम ही ब्लेंड हो जाएगा. इसका जो कवरेज है एकदम 80-90% कवरेज देगा. वैसे भी जब आप प्रॉपर स्टेप्स करते हैं जैसे कि मॉइस्चराइजेशन, प्राइमर और फिर फाउंडेशन, उससे क्या होता है कि मेकअप एकदम सीमलेस होता है और कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर वैसे ही उठा लेगा. अब कंसीलर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर यूज़ किया है. मैं इतना ज़्यादा ये यूज़ कर रही हूँ आजकल, कोई और कंसीलर पे मेरा हाथ जा ही नहीं रहा है. पूरे हाई पॉइंट्स पे लगाने के बाद उसी ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने सारा ब्लेंड कर लिया. मेक श्योर जो कंसीलर का आप शेड ले वो एक शेड या दो शेड लाइटर दैन द फाउंडेशन शेड ले ताकि और इन्हांस हो सके. एंड आफ्टर जो कंसीलर हम लगा लेंगे उसके बाद उसको सेट करना ज़रूरी है. मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का लूज पाउडर लिया है इन शेड बनाना. ब्यूटी ब्लेंडर पे मैंने थोड़ा थोड़ा लेके उसको ऑल ओवर द अंडर आईज टैप करा है और बाकी पूरे फेस फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी टू सेट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव अप्लाइड. उसके बाद थोड़ा कलर देने के लिए फेस पे आई एम यूजिंग दिस शुगर का कॉन्टोर. इट्स रियली गुड, रियली अफोर्डेबल और बहुत कम बहुत लॉन्ग वे तक जाएगा. उसको अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करा है, जॉ लाइन पे, नोज पे, जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है. एंड टू एड सम मोर कलर आई हैव अप्लाइड ब्लश. आई लव टू गो ओवर बोर्ड विद ब्लशेज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ब्लश अप्लाई करना. एंड एट द एंड मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया है फ्रॉम मेबलिन. ये मेरा गो टू कल्ट फेवरेट हाईलाइटर है और पता नहीं कितने टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड करके मेकअप सेटिंग स्प्रे से उसको फिक्स कर लिया है. मेरी ब्राउज थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने उसको फिर से सही किया. और उसके बाद अब मैं लोअर लैश लाइन पे अपना काजल लगा रही हूँ और उसके बाद जो भी मैंने कलर्स अब ऊपर लिड पे लगाए थे उसी सेम नीचे लगा के उसको बफ आउट कर रही हूँ ताकि एक
बहुत ही सीमलेस और एकदम ही अच्छी फिनिश है। सारी आईज कंप्लीट होने के बाद एट दी एंड मैं मस्कारा लगाऊंगी और उसके बाद मैं फॉल्सीज लगा के उसको फिनिश ऑफ करूंगी। मस्कारा मैंने थोड़ा सा अपने ब्राउज पे भी लगाया है ताकि ब्राउ हेयर भी सेट रहे, अपनी जगह पे रहे। फॉल्सीज के लिए मैंने पैक का लैश फिक्सर यूज़ किया है और फॉल्सीज लोकली बाइड फ्रॉम ऑनलाइन है। उसको अप्लाई करने के बाद लास्टली बस अब एक लिपस्टिक रह गई है। लिपस्टिक के लिए मैंने शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक इन बॉन्ड गर्ल यूज़ करी है। ये बहुत ही पिंकी मूवी न्यूट शेड है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। आई होप मैंने जस्टिस किया हो इस मेकअप के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।